हे गाइस, गिज़मोडिक हियर। और आज हम वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सबको तो पता ही होगा कि अप्रैल 14 को वन प्लस इसे ऑफिशियली अनाउंस करने वाला है, उनका एक ऑनलाइन इवेंट होने वाला है। पर अभी लॉन्च इवेंट के एक हफ्ते पहले ये फ़ोन की ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स बाहर आ गई है, इंक्लूडिंग एक प्राइजिंग वाली लीक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो की जो अभी तक बाहर आई है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कि क्यों इस बार शायद वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो दोनों ही थोड़े से महंगे फोन्स होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी दबा देना। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा ही कि वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो दोनों में आपको वन प्लस स्नैपड्रैगन 865 देने वाला है और यहाँ पे 5G सपोर्टेड होगा। यहाँ पे इस फोन के दो वेरियंट्स होंगे, एक तो होगा 8128 और दूसरा होगा 12256। और ज़्यादा वेरिएंट्स वन प्लस रखने नहीं वाला, दोनों ही फोन्स 8 प्रो में ये दो वेरिएंट्स आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो जो रैम होगी वो वन प्लस 8 में LPDDR4X होगी, और जो वन प्लस 8 प्रो है वहाँ पे आपको LPDDR5 वाली रैम मिलेगी। जो प्रोसेसर और जो रैम वाला कॉन्फिग्रेशन है वो सिमिलर है दोनों फोन्स में। बट उसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों फोन्स थोड़े अलग हो जाते हैं। तो वन प्लस 8 पे आपको मिलने वाला है 6.55 इंच का 1080p डिस्प्ले और यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज वाली पैनल दी है। तो जो सिमिलर पैनल आपको वन प्लस 7T पे देखने मिली थी, आई थिंक वैसे ही कुछ वहाँ यहाँ पे आपको वन प्लस 8 में देखने मिलेगी। बस यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पे जो वन प्लस 7 प्रो में हमने कर्व डिस्प्ले देखा था वैसा डिस्प्ले यहाँ पे वन प्लस 8 में भी आपको मिलेगा। तो 8 प्रो की डिज़ाइन सेम है इस बार, आपको यहाँ पे होल पंच कटआउट दिया है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। तो यहाँ पे डिज़ाइन सेम है दोनों फोन्स की, बस स्क्रीन साइज अलग है और दोनों ही फोन्स पे आपको कर्व्ड स्क्रीन मिलने वाली है। तो वंस अगेन वन प्लस 8 पे आपको मिलेगा 1080p 90 हर्ट 6.55 इंच का डिस्प्ले। और उसी तरफ अगर हम वन प्लस 8 प्रो की बात करें तो वन प्लस 8 प्रो पे आई थिंक 6.75 इंच का डिस्प्ले होगा जिसमें 2K रेजोल्यूशन होगा, सिमिलर जो हमने वन प्लस 7 प्रो और 7T प्रो पे देखा है। और यहाँ पे 120 हर्ट्ज की पैनल होगी। तो यहाँ पे 7T प्रो और 8 प्रो में ये फ़र्क होगा कि 7T प्रो 90 हर्ट्ज था और 8 प्रो अभी 120 हर्ट्ज होने वाला है। पर हमें देखना है अभी कि वन प्लस क्या 2K पे 120 हर्ट्ज सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि जो सैमसंग S20 है वहाँ पे अगर आपको 120 हर्ट्ज यूज़ करना है तो आपको 1080p पे यूज़ करना होगा। बट कंसिडरिंग ये वन प्लस है तो आई थिंक आपको 2K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे डिस्प्ले मेट जो कि एक डिस्प्ले रेट करने वाली वेबसाइट है, उसने वन प्लस 8 प्रो को हाईएस्ट रेटिंग दिया है डिस्प्ले के मामले में। पर अभी ये तो यार DxO मार्क जैसा है, अभी एक्चुअली फ़ोन हाथ में आएगा तभी हमें पता चलेगा। रेटिंग्स तो बहुत मिलते हैं पर रियल वर्ल्ड यूजेज में डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में फ़र्क है दोनों फ़ोन्स में, एक में 90 है एक में 120 हर्ट्ज़ है। उसी तरह कैमरा सेटअप में भी डिफरेंस है यहाँ पे। तो जो वन प्लस 8 है वहाँ पे आपको वन प्लस 7T जैसा सिमिलर सेटअप देखने मिलता है। तो सबसे पहले आपका 48 मेगापिक्सल का IMX586 सेंसर है। पता नहीं क्यों IMX686 उन्होंने यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे 586 आपको मिलेगा अभी तक जो लीक्स आई है उसके ऊपर से। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक वाइड एंगल लेंस मिलेगा, आई थिंक ये 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है। और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस होगा। अब ये सेटअप मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि आप वन प्लस 7T देखोगे तो वन प्लस 7T में आपके पास एक टेलीफोटो लेंस भी था जिससे बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज आते थे। तो वन प्लस 8 में शायद उन्होंने टेलीफोटो लेंस उड़ा दिया है, तो आई डिड नॉट लाइक दैट। पर यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा। तो यार टेलीफोटो लेंस आपको वन प्लस 8 पे नहीं मिलेगा, बट वन प्लस 8 प्रो जो है वहाँ पे क्वाड कैमरा का सेटअप है। तो सबसे पहले यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX689 सेंसर है। अभी एक नया सेंसर है, कोई फोन में अभी तक आया नहीं है ये, तो इससे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। 689 माइट गिव यू वेरी गुड क्वालिटी और ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वन प्लस ने आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया है। तो जो IMX586 वाला प्राइमरी लेंस है वन प्लस 7T वन प्लस 8 का, वो यहाँ पे वन प्लस ने एज अ वाइड एंगल लेंस यूज़ किया है। अब वाइड एंगल लेंस नॉर्मली 12, 16 या 20 मेगापिक्सल के होते हैं मैक्स टू मैक्स, बट वन प्लस ने यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का दिया है और वो भी IMX586। तो आपके वाइड एंगल शॉट्स काफ़ी डिटेल्ड आएंगे, लो लाइट में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और इनफैक्ट वन प्लस के CEO ने एक सैम्पल भी शेयर किया था उनके ट्विटर पे, तो आई थिंक कि वाइड एंगल लेंस का परफॉर्मेंस ये बार बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक 3x टेलीफोटो लेंस भी है जो आई थिंक हमने वन प्लस 7T और 7T प्रो में देखा था। और यहाँ पे एक 5 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा लेंस भी है,
इससे आई थिंक कुछ कलर साइंसिंग या कोई चीज़ के लिए यूज़ करने वाले एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे वन प्लस एट प्रो पे आपको 4 कैमराज मिलेंगे और वन प्लस एट पे 3। उसके बाद अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो यहाँ पे तो 16 मेगापिक्सल के सेंसर्स ही है दोनों फ़ोन पे, और यहाँ पे वन प्लस 70 प्रो में जो पॉपअप कैमरा का मैकेनिज्म था वो नहीं है। आप देख सकते हो कि जो डिज़ाइन रेंडर्स है यहाँ पे होल पंच कटआउट है, तो आई थिंक वन प्लस को शायद पॉपअप कैमरा अच्छा नहीं लगा तो वापस होल पंच पे आ गए। ऑनेस्टली मुझे 70 प्रो के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद थी, पॉपअप कैमरा के साथ जो आपको फुल बेजललेस कर्व डिस्प्ले मिलता था उसकी कुछ मज़ा ही अलग थी। बट ठीक है, अब 8 प्रो में आपको होल पंच कटआउट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो ये दोनों फ़ोन्स पे आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे 5G तो है क्योंकि 865 है। उसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 है, टाइप सी पोर्ट होगा फ़ोन्स पे, हेडफोन जैक नहीं होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, स्टीरियो स्पीकर्स होंगे, यहाँ पे आई गेस डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो वन प्लस 8 में आपको मिलेगी 4300 mAh की बैटरी विथ 30W चार्जिंग, और यहाँ पे वन प्लस 8 प्रो में आपको मिलेगी 4510 mAh की बैटरी वंस अगेन विथ 30W चार्जिंग। पर यहाँ पे वन प्लस 8 प्रो में इस बार वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट होने वाला है, और यहाँ पे वन प्लस ने उन्होंने खुद की कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है 30W वायरलेस चार्ज की, जिसमें आपका फ़ोन आई थिंक कुछ 0 से 50% आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ तो है। उन्होंने काफ़ी फास्ट वायरलेस चार्जर बनाया, क्योंकि नॉर्मली जो वायरलेस चार्जर होते हैं वो 5 या 10 वाट के होते हैं, बट वन प्लस 30W वाली टेक्नोलॉजी बनाने वाला है। तो वन प्लस में फाइनली आपको वायरलेस चार्जिंग मिलने वाला है वन प्लस 8 प्रो पे, और 8 प्रो पे एक्चुअली आपको IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की सर्टिफिकेशन भी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें वन प्लस ने इस बार 8 प्रो पे दी है, और ये सब प्रॉपरली फुल ब्लोन फ्लैगशिप बनाने वाला है। तो स्पेसिफिकेशंस तो ये फ़ोन के बहुत ही टॉप क्लास लग रहे हैं, जो भी एक फ्लैगशिप फ़ोन में होना चाहिए वो वन प्लस ने आपको यहाँ पे वन प्लस 8 और 8 प्रो में दिया है। यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन में उतने बड़े चेंजेस नहीं है, हमने फ्रंट में चेंज देखा है, और जो रियर है फ़ोन का वो काफ़ी मिलता जुलता है वन प्लस 70 प्रो से, तो ऐसे कोई मेजर चेंज आपको डिज़ाइन में देखने नहीं मिलेगा। बट स्पेसिफिकेशंस के मामले में वन प्लस ने सब कुछ दे दिया है, तो फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पर जो प्राइसिंग है, यहाँ पे प्राइसिंग इस फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा आई है। तो एक्चुअली यूरोप में कुछ एक जगह पे तो प्राइसिंग लीक हो गई थी कोई रिटेलर से, तो उस लीक के हिसाब से यूरोप में वन प्लस 8 729 यूरो से स्टार्ट होने वाला है, और ये काफ़ी स्टीप प्राइस टैग है। यहाँ पे वन प्लस 7T जो था वो आई थिंक कुछ 500 या 550 यूरो में स्टार्ट हो रहा था यूरोप में, तो यहाँ पे सीधा 200 यूरो का जंप हो गया है। अभी अगर आप इसे डायरेक्टली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे यूरो से तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसिंग आएगी, पर आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि यूरोप की प्राइसिंग इंडिया से हमेशा ज़्यादा हुई है वन प्लस के फ़ोन्स में। 7T में भी ज़्यादा थी ये प्राइसिंग, 70 प्रो में भी ज़्यादा थी, तो यूरोप की प्राइसिंग आप डायरेक्टली इंडिया प्राइसिंग में कन्वर्ट मत कीजिए। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा कुछ वन प्लस के US, यूरोप और इंडिया के पुराने वाले प्राइजेस देख के कुछ एस्टिमेशन लगाया है, तो मेरे हिसाब से वन प्लस 8 जो है वो शायद 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगा, 50 से 53-54,000 रुपीज़ के बीच में इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है, और जो वन प्लस 8 प्रो है वो शायद 65-70,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। तो वन प्लस के जो CEO है पीट लव, उन्होंने बोला था कि वन प्लस का जो 8 प्रो है वो $1,000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर आप प्राइसिंग $900-1,000 के बीच में भी पकड़ते हो तो वो कुछ 70 से 76,000 रुपीज़ के बीच में आती है, अगर आप दोनों वेरिएंट्स को कंसिडर करो तो। मेरे हिसाब से वन प्लस 8 प्रो जो है वो शायद 70,000 के आसपास आ सकता है, और आपका जो वन प्लस 8 है वो शायद आपका 50-55,000 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। अगर आप इसे वन प्लस 70 और 70 प्रो से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा जंप है, बट एक्चुअली इस साल आप कोई भी फ़ोन की प्राइसिंग कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको जंप देखने मिला है। आप 855 और 865 वाले कोई भी फ़ोन को कंपेयर कर लो, आपको रफली 10,000 रुपीज़ का प्राइस जंप तो देखने मिला ही है। आप Redmi K20 Pro और K30 Pro को कंपेयर कर लो, आप Realme X2 Pro और आप Realme X50 Pro को कंपेयर कर लो, यहाँ पे एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस तो है ही। उसके ऊपर से कोरोना वायरस का सीन हो गया है, हमारा जो डॉलर रुपी रेशियो है वो भी बढ़ते जा रहा है, डॉलर का दाम बढ़ते ही जा रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे स्मार्टफोन्स पे GST भी बढ़ गई है। अगर आप लास्ट ईयर का सिनेरियो देखोगे तो वन प्लस 70 37,000 में था, और सिमिलरली जो सिमिलर स्पेसिफिकेशंस वाला Realme X2 Pro था वो 27-28,000 में था, तो 10,000 रुपीज़ का फ़र्क था। तो यहाँ पे अगर आप अभी Realme X50 Pro देखोगे तो वो 40,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सिमिलर लॉजिक लगा के 10-12,000 का प्राइस इंक्रीज अगर देख लोगे तो यहाँ पे 50-52,000 रुपीज़ तो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है वन प्लस 8 की। तो अगर उस प्राइस पे वन प्लस 8 लॉन्च होता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, इस फोन की प्राइसिंग इस बार उतनी ही आने वाली है। तो आप 35-40,000 रुपीज़ की प्राइस एक्सपेक्ट मत करना, 865 और 5G की वजह से सारे फोन्स की प्राइसेस बढ़ गई है।
तो अब देखते हैं कि वन प्लस इंडिया में इसे कौन से प्राइस पे लॉन्च करता है। 50,000 रुपीज़ के आसपास ही लॉन्च होने वाला है वन प्लस एट, और 8 प्रो तो उसके ऊपर ही होगा, तो अब प्रिपेयर कर लेना अपने आप को। और अगर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है तो वन प्लस एक्चुअली वन प्लस एट लाइट या फिर वन प्लस जी लॉन्च करने वाला है, वो कुछ 30,000 से 40,000 रुपीज़ के बीच में आएगा वो फ़ोन, तो वो एक्चुअली उनका बजट फ़ोन हो जाएगा और फिर ये दोनों उनके फ्लैगशिप हो जाएंगे। काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि वन प्लस जो एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड हुआ करती थी, अब वही एक फ्लैगशिप बन गई है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऑनेस्टली 50,000 रुपीज़ भी एक बुरी स्टार्टिंग प्राइस नहीं है। अब बाकी फ़ोन्स को कंपेयर करोगे तो जो S20 है वो 70,000 से स्टार्ट होता है, आईफोन 11 अब वापस 74,000 रुपीज़ का हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 50,000 रुपीज़ इज़ अ गुड स्टार्टिंग प्राइस अगर वन प्लस आपको फ्लैगशिप लेवल की सारी चीज़ें दे रहा है। तो स्पेसिफिकेशंस में तो कोई डाउट नहीं है, बस जो कैमराज है वो अगर वन प्लस इम्प्रूव करके फ्लैगशिप लेवल वाले कैमराज दे दे तो आई थिंक द प्राइस माइट बी वर्थ इट। अब बट अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट 4-5 दिनों में। फ़ोन तो लॉन्च हो जाएगा बट आई डोंट थिंक मई तक हम इस फ़ोन को खरीद पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस का सीन चल रहा है, तो अब देखते हैं कि फ़ोन का सेल कब शुरू होता है। बट एज ऑफ नाउ यही सारी इन्फॉर्मेशन थी वन प्लस एट और 8 प्रो के बारे में। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसे ट्वीट कर दूंगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। आपके क्या थॉट्स है वन प्लस एट और 8 प्रो के बारे में, आप मुझे कॉमेंट्स में प्लीज़ बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपकी नोटिफिकेशन वापस आऊँगा। थैंक यू।